आपके साथ। नागपुर के शांतिनगर चौक स्थित श्री अयोध्या वासी श्री राम जानकी मंदिर में 100 शीला सुनील गुप्ता की 38वीं शादी की सालगिरह बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई। साथ ही 100 शीला सुनील गुप्ता की सालगिरह के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। 100 शीला सुनील गुप्ता की शादी की सालगिरह पर श्री अयोध्या वासी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने उन्हें बधाई दी। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राम जानकी मंदिर में राम जी का धन्यवाद करूंगी। मेरा नाम शीला गुप्ता, आज हमारी शादी की सालगिरह इस राम जानकी मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भगवान का बार बार धन्यवाद एवं जितने लोग मेरे भतीजे भाई बहन मेरे देवर मेरी बहू
जिन भाई बहनों ने सामाजिक बंधुओं ने साथ दिया, मैं उनका सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत कार्यक्रम सफलतापूर्वक रहा और हमारे जो महेंद्र भैया और हमारी रीता है, उन्होंने जो हर महीने सुंदरकांड का जो कार्यक्रम रखा है, इसमें सब लोग जो हिस्सा ले रहे हैं, मैं यही चाहूँगी कि सब लोग इसी तरह उसका साथ निभाते रहें, उसका मानसिक बल बढ़ाते रहें। और दूसरी बार हमारा सुंदरकांड का कार्यक्रम राम जानकी मंदिर में सामाजिक बहनों के द्वारा, सामाजिक भाइयों के द्वारा सफलतापूर्वक रहा। आगे भी आने वाले समय में मैं यही चाहूँगी कि हर घर में श्री राम जी की ध्वजा और ऐसी धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा नाम राखी गुप्ता है और बुआ जी फूफा जी को शादी की सालगिरह की हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम विनोद कुमार श्यामलाल केसरवानी है और यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारी बुआ जी और फूफा जी के सालगिरह की उपलक्ष में सुंदरकांड का पाठ किया गया। सभी समाज बंधु धर्म प्रेमी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी भोजन का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे नए नए रोजनी का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ अभी टीन का सेट डाला जा रहा है। 1,25,000 रुपये का हमने लोहा लाए है। अभी हमको 1,10,000 रुपये का टीन का सेट लाने का है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये सब महेंद्र कुमार जी गुप्ता के मेहनत और सफलता से और सभी समाज बंधु के जो थोड़ा थोड़ा अनुदान दे रहे हैं उसी सब सब कार्य सफल हो रहा है। और हमारे बुआ फूफा जी को बहुत बहुत बधाई हो। उनकी एनिवर्सरी पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे ऐसा प्रण किया गया है, यहाँ बजरंगबली की मूर्ति है, यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हर महीने आयोजित करने का सभी लोगों ने संकल्प लिया है। हर महीने यहाँ पर जो है सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। सभी धर्म प्रेमी समाज प्रेमी बंधु लेडीज़ बच्चे सभी यहाँ एकत्रित होकर के और हिंदुत्व को जगाना है, हिंदू को आगे लेकर के जाना है। महेंद्र कुमार जी गुप्ता का बहुत बहुत आभार जो हम लोगों को एकत्रित किए हैं और सबको जोड़े हैं। जय श्री राम। अखिल भारतीय श्री अयोध्यावासी वैश्य महासभा के मुझे राष्ट्रीय पद की अध्यक्ष पद की जवाबदारी दी गई है। इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ पर सुंदरकांड का कार्यक्रम हुआ और आज हमारी बुआ और फूफा जी की शादी की सालगिरह है और शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है और यहाँ सुंदरकांड के साथ साथ बुआ की एनिवर्सरी धूमधाम से मनाई गई। जय श्री राम। आज हमारी बुआ जी और फूफा जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे सभी समाज बंधुओं की शादी की सालगिरह बर्थडे वगैरह ऐसे ही हम लोग सभी हंसी खुशी मनाते रहें। अभी हमारे 16 जुलाई को हमारे संतोष भैया और भाभी जी की शादी की सालगिरह है। हम लोग अभी उनका भी इसी तरह से हंसी खुशी शादी की सालगिरह मनाएंगे, है ना। जय श्री राम। मैं ममता गुप्ता अयोध्यावासी वैश्य महाप्रांतीय सभा की ओर से बुआ जी और फूफा जी को बधाई देती हूँ। जय सियाराम। मेरे बुआ और फूफा जी को बहुत बहुत बधाई हो, शादी की सालगिरह को बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम श्यामलता गुप्ता है। मेरे ननंद नंदोई के शादी की सालगिरह में बहुत बहुत बधाई हो। आज में हुआ तो बहुत धन्यवाद सबको। मेरा नाम शारदा है। हमारी बहन शीला दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मंदिर को भी, जो कार्यक्रम किया है आपने बहुत अच्छी तरह हुआ है, बढ़िया हुआ है। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनका आज शादी की सालगिरह है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे तरफ से जितना बन सकता है उतनी शुभकामनाएं। और आपका नाम बता दीजिए। और मेरा नाम किशोर गुलेरे है।
ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।